हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ आप सबका निशा ब्लॉग पे। पहले तो आप सबको मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत मैं कर रही हूँ मॉर्निंग के 8 बजे से। आज जा रही हूँ मैं मार्केट और आज आपको बहुत कुछ अलग अलग देखने को मिलेगा जो शायद आपको किसी और के ब्लॉग में देखने को आज तक नहीं मिला होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं मार्केट जा रही हूँ तो वही दुकान या फिर गाड़ी दिखाऊंगी, लेकिन मैं आपको कुछ और दिखाने वाली हूँ। आपको उसके लिए मेरे वीडियो पे बने रहना है। तो सबसे पहले मैं हो जाती हूँ रेडी। तो अब मैं मार्केट जाने के लिए रेडी भी हो चुकी हूँ। तो आप चलते हैं हम मार्केट। तो आप फटाफट जाते हैं रोड में, एक गाड़ी वाला भी वेट कर रहा है हमारा। मैं जा रही हूँ और एक मेरी फ्रेंड वो भी आ रही है आधे रास्ते से, दूसरे गाँव की है वो। तो आप पहले पहुँचते हैं वहाँ पे, फिर मिलती हूँ आप लोग। तो मेरे सिस्टर लोग उसकी फ्रेंड भी मेरे साथ ही आ रहे हैं ऊपर को, फिर साथ में जाएंगे गाड़ी में या आधे रास्ते में रुक जाएंगे फिर। तो अब मैं रोड में भी पहुंच गई हूँ, ये रही गाड़ी। अब मैं पहुंच गई हूँ मार्केट। अब मैं जा रही हूँ सीधे कॉलेज, तो मैं मिलूँगी कॉलेज जाने के बाद। यहाँ से कॉलेज जाने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, तो फिर मिलते हैं। तो यहीं से किया था मैंने कॉलेज, तो मैं अब कॉलेज भी पहुंच गई हूँ। तो दिखाती हूँ मैं इससे आगे को आपको। यहाँ पर बीएड वाले पढ़ते हैं नीचे। ये रहा मेरा कॉलेज। मैं और मेरे फ्रेंड भी यहीं पर ही बैठा करते थे, असाइनमेंट भी बनाते थे और काफ़ी बातें करते थे। आज जो लोग इस ब्लॉग को देखेंगे तो उन्हें भी शायद बहुत कुछ याद आने लगेगा। तो हम लोग यहीं से कॉलेज को जाते थे, यही है मेन गेट। जैसे ही अंदर जाते हैं सबसे पहले यहाँ माँ सरस्वती की मूर्ति मिलती है, जिसका हम आशीर्वाद लेते हैं। इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। तो मैंने इसी कॉलेज से किया था ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी। सो अब मैं आपको कुछ और भी दिखाने वाली हूँ, मेरी वीडियो को बनी रहेगी। तो अब चलते हैं मंदिर को। मैं कॉलेज से भी आ गई हूँ, अब मैं दिखाती हूँ हमारे यहाँ का प्राचीन नाग मंदिर। तो अब मैं पहुँच गई हूँ मंदिर के गेट में, अब चलते हैं मंदिर की ओर। अब सामने से मंदिर भी दिखने लग गया है। तो अब मैं पहुंच गई हूँ अपने यहाँ के प्राचीन नाग मंदिर पे। तो सबसे पहले करते हैं हम भगवान नाग देवता की पूजा। आप कर लेते हैं हम भगवान जी के दर्शन।
तो मैंने मंदिर के दर्शन भी कर लिए हैं। यहाँ पे नाग पंचमी के दिन बहुत बड़ा मेला भी लगता है। ये मंदिर काफ़ी बड़ा है, जैसे कि मैंने आपको अभी वीडियो में दिखाया। तो अब यहाँ का व्यू भी दिखाऊंगी मैं आपको थोड़ी देर में। तो आप लोग यहाँ का व्यू भी देख सकते हो। फर्स्ट बार ऐसे ब्लॉगिंग बना रही हूँ तो काफ़ी अजीब सा भी लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहेगा आज के बाद। तो मैं आज आपको यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ। यहाँ से ना पूरा मार्केट, पूरा वेरीनाग दिखाई देता है। अभी जहाँ मैं हूँ ना, यहाँ से पूरा व्यू दिखाई देता है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। मैं इससे आगे भी जाती हूँ, लेकिन गाइस इससे आगे ना बहुत सारे बंदर हैं और मुझे बंदरों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। एक तो मैं अकेली भी हूँ, मेरे दोस्त लोग तो मार्केट से आए नहीं, इसी वजह से मुझे आपको मंदिर के दर्शन भी कराने थे, तो मैंने वो सब कुछ किया। तो मैं मिलती हूँ आपको आप बाद में। अब मैं मार्केट में भी पहुंच गई हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का पूरा मार्केट। बने रहे मेरे लिए, काफ़ी बड़ा मार्केट है, जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना दिखा सकूँगी, लेकिन सच बोलूँ तो इतना शायद वीडियो में आ नहीं पाएगा, काफ़ी बड़ा है और उतना टाइम भी नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ काम भी है अर्जेंट वाले। तो दिखाती हूँ फिर भी, मैं जितना पॉसिबल होगा दिखाऊँगी आपको। तो मैं जाती हूँ इस वाले रेस्टोरेंट पे। तो इस रेस्टोरेंट में सबसे पहले शायद मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने सुबह से कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो मुझे काफ़ी भूख लगी है। तो मैंने मंगा लिया आप मेरे चने, मैं चने खाती हूँ, क्योंकि उसके बाद ना मुझे कुछ टाइम नहीं हुआ, कुछ ऐसा काम है कि उसके बाद शायद मैं खाना भी नहीं खा सकती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले खा लूँ, फिर बाकी का काम करूँ, फिर उसके बाद खाने का भी टाइम नहीं होता। और मैं आपको अभी और भी मौसम खाने वाली हूँ। तो मेरे चने भी आ गए हैं, क्योंकि मुझे मोमो चाउमीन ऐसे जो बहुत अच्छी लगती है, इसलिए चने भी खाती हूँ। जब भी आती हूँ मैं यही खाती हूँ, तो अब मैं खाती हूँ चाची लोग हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं कि सामान कहाँ से लाते, तो मैं इसी दुकान से सामान ज़्यादातर खरीदती हूँ, बजट में भी है और अच्छा भी मिल जाता है। तो अगर आपको भी यहाँ से लेना हो तो ये यही रखा है मार्केट। तो मुझे यहाँ मिले बहुत अच्छे अंकल जी। अंकल जी बोलिए। ठीक है हमारे बच्चे को आप लोग सभी लोग जो है सपोर्ट करें, सरप्राइज करें, और जिनको जो है काफी जो है सपोर्ट करना, ठीक है जी। थैंक यू अंकल जी। ठीक है, तो अब मैं जाती हूँ मॉल में, देखती हूँ वहाँ कुछ पसंद आता है तो कुछ लूँगी, तो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्या लिया, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वो तो मैं आपको घर जाकर ही बताऊँगी। तो अब मैं जाने लग गई मॉल के अंदर।
यहाँ पर भी काफी भीड़ हो रखी है। देखते हैं यहाँ कुछ अच्छा लगता है कि नहीं लगता। अच्छा लगेगा तो ले जाऊंगी, नहीं तो फिर जो भी होगा बताऊंगी मैं आपको। तो मैं मॉल से भी आ चुकी हूँ, लिया तो है मैंने कुछ, मैं वो आपको घर जाके बताऊंगी कि मैंने मॉल से क्या लिया। तो ये वेरीना का पुराना मार्केट है, पहले यहीं पर हुआ करता था मार्केट, लेकिन अब तो ऊपर है ज़्यादा मेन मार्केट। तो मैं आपको ले चलती हूँ यहाँ के पुराने मार्केट पे। तो ये रहे यहाँ के मेडिकल स्टोर और ये रहा यहाँ का सरकारी हॉस्पिटल। तो मैं आपको यहाँ का सरकारी हॉस्पिटल भी दिखा देती हूँ। यहाँ से नीचे को जाता है एनिमल हॉस्पिटल, जाते हैं यहाँ से लोग। आज तो हर जगह काफ़ी भीड़ हो रखी है, चाहे वो हॉस्पिटल हो या मार्केट हो। तो देखते हैं आगे को और क्या क्या होता है। जो भी इस ब्लॉगिंग में हो पॉसिबल हो सकेगा मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आपको यहाँ पे हर एक चीज़ बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ देखने को मिलेंगी। अगर आपको कुछ न्यू घर के लिए कुछ भी खरीदना है तो आप यहाँ जरूर आए एक बार। ये क्या है? मेरी दोस्त भी खरीद रही है। तो आप भी बोल दो फिर। मुझे तो यहाँ आके पता चला कि यहाँ पर एक जिम भी है करके, नीचे बाजार के यहाँ पे ना एक जिम भी है, मुझे आज फर्स्ट बारे पता चला। चलो देखते हैं कि वो जिम कहाँ पर है। अगर आपको भी जिम में आना होगा तो आप भी पक्का आना इधर। तो ये रहा वो जिम जहाँ पे आते होंगे लोग। मुझे तो खैर उतना नॉलेज नहीं है इसके बारे में, फिर भी अगर आपको आना हो तो आप आ सकते हो इधर। अभी और भी है, वो भी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ ये सब। तो अगर आप सबको भी आना हो तो यहाँ आ सकते हो। बाकी तो मैं क्या ही बोलूँ, आपकी अपनी मर्जी होगी। सो मैं तो फर्स्ट बार ही देख रही हूँ ये सब कुछ। सो कैसा लगा मुझे पक्का बताना। जो मैंने आपको भी जिम के बारे में बताया था ना, तो यहीं पर है वो। सो आप देख सकते हो। जब मैं आई थी धूप ही नहीं आई थी। आप देखो ये रात होने वाली है, गाड़ी वालों का कोई अता पता नहीं है, आने का शायद इच्छा ही नहीं है उनको आज। तो अब गए हैं रात के 6, तो देख सकते हैं कितना अंधेरा हो गया। घर आते आते मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ। तो मैं अब घर भी पहुँच गई हूँ। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की वहाँ से, तो मैं बताती हूँ। ये मैंने मॉल से लिया क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद आया, तो मैंने इसको खरीद लिया। और उसके बाद मैंने लिया ये जो काफ़ी लेगी, जो सर्दियों के लिए काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। और उसके साथ लिया मैंने ब्लैक कलर का दुपट्टा,
और एक साबुन का डिब्बा और दो सॉफ्ट शैम्पू मुझे, और उसके साथ लिया मैंने अपने शैम्पू, और शैम्पू के साथ मिला मुझे लव रत्नम वाला पाउडर जो कि फ्री है इसके साथ। तो फ्री चीज़ों को देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं इसको देख के काफ़ी खुश हो गई। तो खाने पीने की चीज़ में तो मैं इलायची पेस्ट्री लाई हूँ और फ्रूट्स लेकर आई थी, लेकिन पेस्ट्री का हालत काफ़ी ख़राब हो रखा है, वो दिखाने लायक बिल्कुल भी नहीं हो रखा है। तो फिर लाई थी मैं पानी पूरी, तो जिस जिसको पानी पूरी खाना है तो वो आ सकते हो अभी। होप करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। तो मैं निशा मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।